Yesterday we talk about sense organs. Today we talk about how to take care of our sense organs. So our today's topic is how do we take care of our sense organs. Thus, our first sense organ is eyes. Eyes help us to see the things, जो हमारी आंखें हैं उनकी मदद से हम सभी चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं. We identify the things, we read the book. हम अपनी बुक को भी किससे पढ़ पाते हैं? हमारी आंखों की मदद से. यदि हमारी आंखें नहीं होती तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड द बुक. सो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. यदि हमारी आंखें नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज़ नहीं देख पाएंगे. आप ना तो अपनी फेवरेट बुक देख पाओगे, ना फेवरेट कार्टून चैनल देख पाओगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ दिस. इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी आँखों की बारे में अच्छे से टेक केयर करें. तो सबसे पहले हम कैसे टेक केयर करेंगे? We always wash our eyes with clean water. हम हमेशा अपनी जो आँखें हैं उनको बिल्कुल साफ पानी से धोएंगे. Do not rub the eyes. हम अपनी आँखों को कभी भी तेजी से जोर जोर से रगड़ेंगे नहीं. Do not watch television, mobile or computer with close distance. मैं आपको जितने भी वीडियो भेज रही हूँ ये मोबाइल में ही भेज रही हूँ, लेकिन आपको मोबाइल को बिल्कुल आँखों के पास में ला करके नहीं देखना है. आप इतनी दूरी से देखेंगे अपना मोबाइल. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टेबल पे रखें अपना मोबाइल चालू करके और फिर आराम से चेयर पे बैठ के देखें, तो आपके और आपके मोबाइल के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा और आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड फोर्थ थिंग इज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू योर आईज सो यू विजिट टू अ आई स्पेशलिस्ट. यदि आपकी आँखों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में पेन हो रहा है, आपकी आंखें रेड हो गई है या फिर उनसे पानी लगातार बह रहा है, तो आपको किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आंखों का अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए. क्योंकि आंखें हैं तो हम पूरी जो हमारी दुनिया है उसको हम देख सकते हैं. यदि हमारी आंखें नहीं हैं तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे. नाउ वी टॉक अबाउट ईयर्स. ईयर्स इज आर सेकंड सेंस ऑर्गन. जो हमारे ईयर हैं ये हमारे दूसरी तरफ क्या हो गए, हमारे सेंस ऑर्गन्स. वी हैव वन पेयर ऑफ ईयर्स. हमारे जो ईयर है वो हमारे पास में एक जोड़ी होते हैं. वी हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. हम अलग अलग तरह की जो आवाज़ें हैं वो हम अपने कानों से ही सुन सकते हैं. कभी कार की हॉकिंग की आवाज़ आती है, कभी चिड़ियों की आवाज़ आती है, कभी हमको ऐसी आवाज़ आती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. कुछ वॉइस ऐसी होती है जो हमें पसंद होती है, हमारे कानों को पसंद होती है, हम बहुत खुश होते हैं उस आवाज़ को सुन के. तो कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. लेकिन जो वॉइस है वो अच्छी हो या बुरी हो, उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देते हैं? हमारे ईयर्स. इसलिए हमको ईयर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. सो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स? अब हम अपने कानों की टेक केयर कैसे करेंगे? वी ऑलवेज वॉश अवर ईयर्स विथ मॉइस्ट क्लॉथ. हम हमेशा अपने कानों को या तो गीले कपड़े से पोछेंगे या फिर क्या करेंगे, वी यूज ईयरबड टू क्लीन आवर ईयर्स, या फिर ईयरबड का यूज करेंगे. डू नॉट पोर एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स. हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अपने कानों में नहीं डालेंगे. एंड वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. हम अपने कानों का अच्छे से देखभाल करेंगे. हम हमेशा अच्छे से किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे. बहुत तेज़ आवाज़ जहाँ हो रही है वहाँ से हम दूर रहेंगे, क्योंकि जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है यदि हमने उसको लंबे समय तक सुना तो हमारे जो कान हैं वो धीरे धीरे उनके सुनने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है. बेटा हम लोग तो घर पे रहते हैं तो हम लोग तेज़ आवाज़ सुनने को बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जब हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ तेज़ी से ढोल बजते हैं और दूसरे जो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी बजते हैं. उनकी जो साउंड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम
आपस में क्या बातचीत हो रही है उसको सुन नहीं पाते। तो जब हम सिर्फ कुछ मिनट के लिए इन बातों को नहीं सुन पाते हैं तो हमारे जो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ ढेर सारी मशीनें चलती हैं और उनसे सारा दिन शोर होता है, इतना ज़्यादा शोर होता है, इतना ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है कि उससे कानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कानों में दर्द रहने लगता है और धीरे धीरे कैसे कंडीशन बन जाती है, तब व्यक्ति की हियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उस व्यक्ति को आसानी से सुनाई नहीं देता है। जब आप बहुत तेज आवाज में बोलते हो तभी वो व्यक्ति सुन पाता है, नहीं तो वो अपनी बात को नहीं सुन पाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाउड नॉइजेस होती है वो हमारे कानों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड नाउ वी टॉक अबाउट आवर थर्ड सेंस ऑर्गन। आवर थर्ड सेंस ऑर्गन इज आवर नोज। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नोज। Nose is also a sense organ. It gives a sense of smell. जो हमारी नाक है वो भी एक सेंस ऑर्गन है और ये हमको सूंघने की जो क्षमता होती है वो हमारी नाक की वजह से होती है। हमें अलग अलग तरह की जो स्मेल आती है, sometimes we smell our favorite cake, sometimes mangoes, sometimes rose and sometimes very bad smells. हमारी नाक जो है उससे हमें कभी तो हमारे केक की खुशबू आती है जो हमें बहुत पसंद है, हमारे फेवरेट आम की खुशबू आती है, तो कभी कभी बेड स्मेल भी आती है। आप सारा दिन जब मॉर्निंग में स्कूल आते हो तब से लेकर तो नून तक अपने पैरों में सॉक्स पहन के रखते हो, जब घर जाके आप इन सॉक्स को निकालते हो तो उनमें से बहुत ही बेड स्मेल आती है। कई बार जब कपड़े हमारे ठीक तरीके से सूखते नहीं हैं तो उनमें से भी स्मेल आने लगती है, जहाँ पे गार्बेज कलेक्ट होता है वहाँ से भी बेड स्मेल होती है। तो नोज तो सिर्फ एक ही है लेकिन वो हमको दोनों ही तरह के सेंस देती है, बैड स्मेल का भी और गुड स्मेल का भी। एंड अदर थिंग इज आवर नोज आल्सो हेल्प अस टू टेक एयर। जो हमारी नाक है वो हमको सांस लेने में भी हमारी मदद करती है। वे इनहेल एंड एक्सहेल द एयर विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। हम सांस लेना और छोड़ना ये दोनों ही काम अपनी नाक की मदद से करते हैं। अवर नोज हैज स्मॉल हेयर्स। हमारी जो नाक होती है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होते हैं। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये मैडम क्या बोल रही है, नाक में बाल का क्या काम है, हम चोटी तो हमारे बालों की अलग से बनाते हैं, अब नोज में बाल का क्या काम है। बट दे आर सो इम्पोर्टेंट। ये जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं ये अंदर किसी भी कचरे को जाने से, धूल मिट्टी को जाने से रोकते हैं। यदि थोड़ी सी भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी नोज में आती है तो तुरंत हमको स्नीजिंग होती है, छींक आती है तेजी से, और जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर गए हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये तो क्या हुआ हमारी नोज का वर्क कि नोज हमारी क्या क्या काम करती है। अब हम इस बारे में भी बात कर लें कि वो हम उसकी टेक केयर कैसे करेंगे। सो वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर नोज। जब आप नहाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी नाक को भी अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि नाक के अंदर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं रह पाए। डू नॉट पुट योर फिंगर टू योर नोज। आपको अपनी नाक के अंदर बार बार उंगली नहीं डालना चाहिए। डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू योर नोज। आपको अपनी नोज में किसी भी तरह की नुकीली चीज को नहीं डालना चाहिए। यदि कोई भी नुकीली चीज आपकी नोज में गई तो क्या होगा, नोज से ब्लड आने लगेगा और आपको तकलीफ होगी, उसी वक्त फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। नाउ वी टॉक अबाउट आवर फोर्थ सेंस ऑर्गन। नाउ वी टॉक अबाउट आवर थ्री सेंस ऑर्गन्स रिपीटली। सबसे पहले हमने आईज के बारे में पढ़ा। आईज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप क्या करोगे, अपनी आंखों को तेजी से रगड़ोगे या नहीं रगड़ोगे? नहीं रगड़ोगे, क्योंकि वो हमारी आईज की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकंड, हमारी ईयर्स, जहाँ तेज आवाज हो रही है हमको उससे दूर रहना चाहिए, वहाँ पास में नहीं जाना है हमको। और थर्ड, हमारी नोज में हम कभी भी उंगली नहीं डालेंगे। हमारी नाक में यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी मम्मी से बोल के नोज में ड्रॉपर डाल से कोई भी मेडिसिन डालेंगे, आप खुद अपनी फिंगर को उसमें नहीं डालेंगे। एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ योर होमवर्क। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ड्रा द आईज, ईयर्स एंड नोज, थ्री सेंस ऑर्गन्स।
brother, sense organs, nose, ear,